कपड़ा सब हम धोए हुए थे, उस सबको पसार उतार के नीचे उतरे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहे, हम एक मिनट के लिए भी उनको अपने से हटने नहीं दिए। कहीं मर्द है, कहीं बाहर निकल जाए, कुछ हो जाए, तो हम उनको अपने साथ छत पे लेके गए। वहाँ से कपड़ा सब सूखने के लिए दे दिए धूप में। उसके बाद नीचे उतरे हैं, तो नीचे उतरे क्या कहता है, आंसू गैस 2 बजे करीब में आंसू गैस जो है सो छूटा है। यहाँ कुछ देर बैठे हैं अपना सब आदमी, उसके बाद आंसू गैस ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला फ्लैट में पूरा घर अंधेरा हो गया। धुआं अचानक देखे, घुटन महसूस होने लगा, मिर्ची के बुकनी के तरह लगने लगा। सब आदमी अस्त व्यस्त हो गया, सब ऊपर से घर दर जेठी लोग उतरवानी निपला रहे थे। उसके बाद जाके आधे घंटे के बाद धीरे धीरे कम हुआ। हर रूम में धुआं धुआं था, कहीं कुछ रहने लायक लग ही नहीं रहा था कि कहाँ जाए। सभी कोई उतर उतर के हमारे ही घर में आ रहे थे, कोई नीचे भाग रहा था, कोई ऊपर जा रहा था। रोड पर तो कोई डर से जा नहीं रहा था। जब धुआं कुछ हल्का हुआ है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये रूम सब में क्या बोलता है क्या, हंस रहे थे हमारी बातों से। उसके बाद इनको मन हुआ कि चाय बनाओ, तो चाय पीते हैं। चाय बनाकर चाय दिए, चाय पीने, ये चाय पी करके यहाँ रखे हैं, कप रख दिए हैं। उसके बाद ये बच्ची, सभी लोग अपना बैठे हुए हैं, बच्ची उठ के मेरे घर के इस पार जो है सो काफ़ी धमाके की आवाज़ आ रही थी। तो हमको लगा कि पटाखा उटाखा छूट रहा है, ऐसे मतलब कई बार सुनते थे कि बम फटाका छोड़ता है, इसी का आवाज़ है। गोली की आवाज़ हम लोग कभी महसूस नहीं किए थे, नहीं मालूम था फटाका कैसा होता है, गोली कैसा होता है। उठ करके उसके बाद क्या हुआ कि आवाज़ जो धड़ाधड़ा हो रहा था, बच्ची उठ करके वहाँ उन्हीं को एकदम रुई ट्रीटमेंट के लिए, रुई कपड़ा ढूंढने के लिए, यही बच्ची मेरी दौड़ दौड़ के सभी रूम से कपड़ा ढूंढ कर लाई हम उनको। इसमें बाद में चिल्लाए, सभी तो आंसू गैस से इधर उधर भागे हुए थे घर में ही, तो सभी को सुनने में थोड़ा समय लगा। जो ही सालों अंदर नहीं तो ढोक देंगे, तो हमको गुस्सा आ गया। हमने ढोक कर दिखाओ, ढोकना है तो ढोक के दिखाओ, बेल कसूर को तुम जान लेता है, दिखाता है कि हम पुलिस है, ताकि मेरा नाम रोशन हो जाए कि हम बहुतों को मारे हैं, गिनती करना चाहता है। हम उसको बहस भी किए हैं, हम नहीं घर के अंदर गए, इनको लेकर के जा रहे थे। सभी कोई अपना जैसे तैसे हमको समाज में लोग सब जुटने लगा, जैसे तैसे अस्त व्यस्त होकर के घसीटते। कुछ नहीं मिल रहा था, ना रिक्शा ना कोई सवारी, कैसे कैसे वो तो लखपत हो, बेहोश थे। उनको किसी तरह सब आदमी मिल करके हॉस्पिटल ले जाने में हमको करीब करीब 20-25 मिनट लग गया। हॉस्पिटल से वापस आए, सब जगह ताला लगा हुआ नजर आया, तो सब अशोकानंद के यहाँ गए। वहाँ भी डॉक्टर साहब को किसी तरह से मारपीट लगा था कि क्या लगा था, वो भी काफ़ी देर के बाद आए। तो उसके बाद पट्टी उट्टी, हम जब तक अंदर पहुँचे तो पट्टी उट्टी लगा हुआ था, इनको सब बेहोश थे। इनको सब कोई गाड़ी नहीं मिला, हम रोड पर चिल्ला रहे हैं, पहाड़ी सब हमको गोली दिखा रहा था, हम रोड पर चिल्ला रहे कोई गाड़ी खोज दो, कोई कुछ कर दो, कोई व्यवस्था। लेकिन जो भी समाज का लोग था उस समय में, सभी ने साथ दिया और जैसे तैसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर इनको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर भी जो नहीं थे तो भैया जी जो जान पहचान उस समय जुटे, सभी अपना अपने तरीके से मदद करने लगे। फ़ोन किए तो डॉक्टर आया, डॉक्टर आने के बाद उनको कुछ मतलब केवल ऑक्सीजन और लगा दिया और बोले ले जाइए इनको बाहर जहाँ ले जाना है वगैरह। वो भी ठीक ढंग से कुछ दूर गए कि बस ऑक्सीजन मुंह से निकल गया, इनका सांस जोर जोर से चलने लगा, तो तुरंत बाइक करके हम लोग फिर पुनः हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर फिर नहीं थे, तो फिर भैया जी कहाँ से ये लोग अपना बुलाए कि क्या हुआ। उसके बाद हम कहते हैं